स्टैंडिंग वेव्स इन अ पाइप ओपन एट बोथ दी एंड. अब जैसे वो फ्लूट बंसरी होती है दोनों एंड से ओपन है तो भी आवाज आती है. तो इसमें क्या होता है कि एक वेव जा रही है लेफ्ट से राइट, और क्योंकि जो आखिरी जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री टू मूव हैं, वो फिक्स्ड एंड तो है नहीं. और जब पार्टिकल फ्री टू मूव है, सोचो वेव आ रही है वो आखिरी के पार्टिकल फ्री टू मूव है, अगर क्रेस्ट आ रहा है तो वापस क्रेस्ट ही जाएगा. तो जैसे पार्टिकल आया था वैसी की वैसी वेव वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो ऐसे केस में वाई नेगेटिव नहीं होगा, जबकि फिक्स्ड एंड में वाई नेगेटिव था, इसमें वाई नेगेटिव नहीं होगा. लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है तो वी टी माइनस एक्स की जगह वी टी प्लस एक्स होगा. क्लियर है यहां तक? फिर सुपर पोजिशन हो जाएगी आने और जाने वाली वेव्स की. तो अगेन मेडिकल के स्टूडेंट्स, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू सी और डी यहां पुट करके ऑन सॉल्विंग लिख देना सीधा, ये आंसर आएगा. इसके अंदर एक फंक्शन कॉस का बनेगा, एक साइन का बनेगा, याद रखना. जिसमें टाइम आएगा वो फंक्शन पीछे, जिसमें एक्स आएगा वो फंक्शन आगे, वो एम्पलीट्यूड होगा. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके इक्वल होगा जो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि पाइप ओपन एट बोथ एंड है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू क्या होगी इसमें, मैक्सिमम. और ऐसी एक्स इज इक्वल टू एल पे वाई की वैल्यू क्या होगी इसमें, मैक्सिमम. क्यों? क्योंकि फ्री टू मूव पार्टिकल है और यहां पर एंटी नोड जनरेट होगा, फिक्स्ड एंड में नोड जनरेट होता है. तो ऐसे केस में एक काम करते हैं, एक्स को इसके अंदर जीरो पुट करते हैं. कॉस जीरो क्या होता है, वन. तो वैल्यू मैक्सिमम आ गई, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड. देखो एक्स जीरो पुट करके मैक्सिमम आ रहा है, सेटिस्फाइड. और जब मैं यहां पर एक्स को एल पुट करूंगा तो कॉस ऑफ दिस थिंग शुड गिव मैक्सिमम वैल्यू, जो क्या होती है, प्लस माइनस वन. मेडिकल के लोग याद रखेंगे कॉस थीटा प्लस माइनस वन कब होता है, जब थीटा एन पाई होता है, याद रखना पड़ेगा. पाई से पाई कैंसिल तो एल की वैल्यू आ गई. क्लियर है? तो एल की वैल्यू आ गई. अब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एन की जगह वन वन पुट करेंगे तो पहली वेवलेंथ आएगी लैम्डा वन बाई टू. लैम्डा वन बाई टू में लैम्डा का मतलब क्या होता है, कंप्लीट वेव. लैम्डा बाई टू का मतलब क्या होता है, एक लूप. एक लूप का मतलब लैम्डा बाई टू होता है. पर प्रॉब्लम यह है कि मैं ये डायग्राम यहां ड्रॉ नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे डायग्राम में कॉर्नर्स पे क्या चाहिए, एंटी नोड्स. लेकिन ये अगर मैं ये ड्रॉ करूंगा तो कॉर्नर्स पे क्या आ रहे हैं, नोड्स. तो मैं क्या करूं, इसको ब्रेक कर लो आधा आधा. ब्रेक करके आधा आधी वेव को उल्टा जोड़ दो, उल्टा जोड़ दो. तो उल्टा जोड़ेंगे तो ये एंटी नोड कॉर्नर पे आएगा, लेंथ रिमेनिंग लैम्डा ओनली, लैम्डा बाय टू ओनली. तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है? तो इस डायग्राम में ये लैम्डा बाय फोर है, ये लैम्डा बाय फोर है. लैम्डा बाय फोर और लैम्डा बाय फोर मिला के क्या बनेगा, लैम्डा बाय टू. तो कॉर्नर पे क्या बने, एंटी नोड, और यहां पर क्या बना, नोड. डायग्राम क्लियर है पहला? तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा वन क्या आएगा, 2L. पहली फ्रीक्वेंसी न्यू वन क्या आएगी, वी बाय लैम्डा वन. लैम्डा वन क्या है, 2L. तो पहली फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फॉर्मुला याद करना, वी बाय 2L. नेक्स्ट है सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एन की जगह 2. जब मैं यहां पर एन की जगह 2 पुट करूंगा, 2 कैंसिल, तो एल क्या आएगा, लैम्डा 2. लैम्डा का मतलब दो लूप्स. अब प्रॉब्लम यह है कि दो लूप बनेंगे तो कॉर्नर पे नोड आएंगे. हम एक काम करते हैं, बीच में एक लूप लेते हैं, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय टू, लैम्डा. तो लेंथ तो लैम्डा आ गई इसकी, और कॉर्नर पे क्या जनरेट हो गए, एंटी नोड्स. तो इसका सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का डायग्राम बन गया. ठीक. नेक्स्ट है न्यू टू क्या है, वी बाय लैम्डा टू. लैम्डा टू किसके इक्वल है, एल. तो ये सेकेंड फ्रीक्वेंसी, सेकेंड फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करें फंडामेंटल के साथ, और वी बाय एल कैंसल, आंसर क्या आएगा, न्यू टू इज टू टाइम्स न्यू वन. तो पहली फ्रीक्वेंसी न्यू वन, दूसरी फ्रीक्वेंसी टू इंटू न्यू वन. थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थ्री पुट करेंगे तो क्या आएगा, थ्री बाय टू लैमडा. थ्री बाय टू में क्या पुट करेंगे, दो लूप्स का मतलब लैमडा. लैमडा प्लस लैमडा बाय फोर प्लस लैमडा बाय फोर विल गिव थ्री बाय टू लैमडा. तो इसका डायग्राम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैमडा थ्री, यहां पुट करेंगे लैम्डा 3 तो क्या आएगा, न्यू 3. न्यू 3 न्यू 1 को डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू न्यू 1. तो पहली फ्रीक्वेंसी न्यू 1, दूसरी कितनी 2 इंटू न्यू 1, तीसरी कितनी 3 इंटू न्यू 1, nth कितनी n इंटू न्यू 1.